This conference will now be recorded. हमारा जो टॉपिक है दैट इज IFRS 15. IFRS का मतलब ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. IFRS 15 का नाम क्या है कि ये रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है. इसका स्टैंडर्ड है, ये रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है. रेवेन्यू आना कहां से है? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. रेवेन्यू कहां से आना है? कस्टमर्स से आना है, जो आपने कस्टमर्स के साथ डील करते हो, राइट? यानी अगर इसको आपने अलग अलग पढ़ना है, ये रेवेन्यू एक है और ये रेवेन्यू आता कहां से है? कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर. मेन कस्टमर की जगह ये हाईलाइट कर लें आप कि कस्टमर से हमें जो रेवेन्यू आता है, हाउ टू डील. जैसे आपको पता होगा कि हम जब IAS 16 पढ़ा, वो था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो उसमें पूरे स्टैंडर्ड में हम यही देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में डील कैसे किया जाता है. फिर हमने पढ़ा IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो उसकी क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने उसको सीखा. हर स्टैंडर्ड जो जिस नाम से होता है, हम उसकी पूरी डिटेल उस स्टैंडर्ड में डिस्कस करते हैं. तो एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड रेवेन्यू का है. एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड किस चीज का है? रेवेन्यू का. अब मैं थोड़ा सा रेवेन्यू को भी डिस्कस करता हूं. और पहले मैं ये बता दूं कि पहले एक स्टैंडर्ड होता था IAS 18, रेवेन्यू रिकग्निशन इसका नाम होता था. रेवेन्यू रिकग्निशन. और एक स्टैंडर्ड था IAS 11, इसका नाम था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. अब ये दोनों मिलके कन्वर्ट हो गए हैं IFRS 15 में. हमारे सिलेबस में पहले ये था, IAS 11 नहीं था, और अभी भी सिर्फ इसी से रिलेटेड हमारा सिलेबस है और नहीं है कोई. मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड अभी भी हमारे सिलेबस में है कि हाउ टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जो रेवेन्यू आता है वो अभी भी हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में मतलब एफएआर 1 के सिलेबस में एक लिमिटेड सा ये है, उससे ज्यादा नहीं है. और आईकैप ने स्पेशल स्पेसिफाई किया है, कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इससे रिलेटेड आपके सिलेबस टच हो सकता है. कंप्लीट स्टैंडर्ड नहीं है और कंप्लीट स्टैंडर्ड, राइट? चलिए जी, नेक्स्ट. अपना माइक ख्याल से यानी रखा करें ताकि अगर गलती से भी ऑन हो जाए तो कोई ऐसी चीज ना आवाज आए. चलिए जी, उसके बाद हम चलते हैं एक इनकम की डेफिनेशन को हम देखते हैं. ये आपको पहले भी पता है इसके बारे में. इनकम हमारे पास दो टाइप की होती है. इनकम हमारे पास किसी भी बिजनेस की इनकम ना दो टाइप की होती है. एक को हम कहते हैं रेवेन्यू, या दूसरे लफ्जों में गुड्स हैं तो उसकी सेल्स को भी कहा जाता है. सर्विसेज को तो सेल नहीं की जाती, लेकिन जो रेवेन्यू है ये हमारी डायरेक्ट इनकम होती है. मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिजनेस होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है बिजनेस की, जो मेन काम है उससे जो इनकम आती है हम उसको रेवेन्यू कहते हैं. सेल छोटी टर्म है, वो सिर्फ गुड्स के केस में इस्तेमाल होती है. रेवेन्यू सर्विसेज के केस में भी इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए रेवेन्यू हम उसे कहते हैं. और दूसरी जो इनकम होती है हम उसको कहते हैं अदर इनकम. हमारी डील इस इनकम के साथ है जो रेवेन्यू, मतलब जो हम अपने कस्टमर के साथ डील करके हासिल करते हैं, ठीक है? अगर हम सिर्फ
इनकम की डेफिनेशन की बात करें, सिर्फ इनकम की डेफिनेशन, आपके पास इस टाइम असाइनमेंट नहीं है, कल आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी, आप कोशिश करना कि हार्ड फॉर्म में ही ले लेना। कोशिश क्या करनी है, अगर मैं सेंड नहीं करूंगा तो फिर तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि हार्ड फॉर्म में आप अरेंज करोगे, तो हार्ड फॉर्म में अरेंज कर लेना ताकि आपको मैं वहां पर चीजें कुछ अंडरलाइन करवाऊंगा, तो इसलिए बेहतर यह है कि आपके पास हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट हो, राइट। तो पहले हम इनकम को डिफाइन करते हैं और फिर हम रेवेन्यू की तरफ आते हैं। इनकम एक्चुअल में क्या चीज है, कहते हैं इनकम में दो तीन बातें याद रखने वाली हैं। कहते हैं कि इनकम से होता क्या है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। इनकम से क्या होता है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। इनकम क्या चीज है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। बेनिफिट तो है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ, यानी जो बेनिफिट आपको होना है वो किस फॉर्म में होना है। नंबर वन, इनफ्लो हो सकता है, यानी कैश आ सकता है इसके बदले। नंबर टू, आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं किसी और टाइप के, एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स। और इकोनॉमिक बेनिफिट किस फॉर्म में इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो जाना या एसेट बढ़ जाना, ये इनकम की ही निशानी है। इस जिसके रिजल्ट से, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट तीन फॉर्म में हो सकता है, इनफ्लो में, एनहांसमेंट ऑफ एसेट्स, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, और इस बेनिफिट का रिजल्ट क्या होगा, इस बेनिफिट का रिजल्ट क्या होगा जो इस फॉर्म में होगा, दैट रिजल्ट्स इंक्रीज इन इक्विटी, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन इक्विटी। आपको पता होगा कि कोई भी हमें अगर इनकम होती है, चाहे जिस फॉर्म में भी हो, वो जाती हमारे इक्विटी में है, कैपिटल में जाकर ऐड होती है, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स जो हम करते हैं, राइट। दोबारा सुनिएगा कि इनकम को अगर हम अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, और एक बात का ख्याल रखना है, जब हम इक्विटी का जिक्र करते हैं ना, अब इक्विटी में इजाफा एक तो नेट प्रॉफिट ऐड करने से होता है, एक एडिशनल कैपिटल से भी तो इक्विटी में इजाफा होता है। कहता है ऐसी चीज जिसका रिजल्ट इक्विटी में इंक्रीज आता है, ऐसी चीज जिसका रिजल्ट इक्विटी में इंक्रीज आता है, हम उसको प्रॉफिट कह देते हैं, ये इनकम कह देते हैं। लेकिन इक्विटी में इजाफा एक और तरीके से भी होता है, जो हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब वो भी स्टैंडर्ड किसी बात को नहीं छोड़ रहा, वो कहता है अदर देन, यानी इंक्रीज के बाद कह रहा है अदर देन दोज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट कौन है भला, ऑनर्स पार्टिसिपेंट्स। ये इनकम की डेफिनेशन, आप जब आपके पास असाइनमेंट आएगी तब आपने उस वक्त याद कैसे करनी है, उसमें जितनी बातें लिखी होंगी वो मैंने यहां पर हाईलाइट कर दी हैं, फिर आपको याद करना आसान होगा, ठीक है। ये चीजें मैंने साथ साथ सुननी है डेली बेले फिजिकल क्लासेस में, मैंने ये सुननी भी है, सवाल भी मैंने चेक करने हैं इसके। इनकम की डेफिनेशन में पहले ओवरऑल दो बातें हैं, ओवरऑल क्या, इक्विटी इनकम क्या चीज है, इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट दैट रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी, और कहता है अदर देन रिलेटिंग टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, मतलब अदर देन एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और ये जो दरमियान में तीन बातें लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं कि जो बेनिफिट है वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो इनफ्लो हो सकता है, वो एसेट बढ़ सकते हैं, वो लायबिलिटी कम हो सकती है। तो जब भी अगर इनकम की डेफिनेशन दो नंबर की पेपर में आ जाती है या एमसीक्यूज में लिखी हुई डेफिनेशन आ जाती है और हमने पहचाननी हो,
अब मैं दोबारा इनकम की डेफिनेशन बोलने लगता हूं जो आपने इंतहाई गौर से सुननी है जी। इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो एनहांसमेंट्स ऑफ एसेट्स डिक्रीज इन लाइबिलिटी दैट रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट। यानी वो जो इतनी बड़ी लंबी लाइन लिखी हुई है ना कंट्रीब्यूशन बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट, बात वही है कि अदर देन इंक्रीज बाय इक्विटी पार्टिसिपेंट। तो ये है इनकम की डेफिनेशन ये। और इनकम की दो टाइप है, एक अदर इनकम जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, कोई भी और इनकम हमें मिलती है वो भी इस डेफिनेशन में आता है, और एक इनकम की टाइप है रेवेन्यू। अब जरा सुने, अगर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट में फायदा आपको फायदा हो रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन वो नेटवर्क प्रॉफिट बढ़ रहा है आपके इस गुड्स सेल करके या आप जो सर्विसेज देते हैं उसको प्रोवाइड करके, तो वो इनकम आपकी रेवेन्यू कहलाएगी। इसके अलावा कोई भी इनकम होगी वो अदर इनकम में आएगी। तो अब हम फिर अगला अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इनकम के अंदर जो डेफिनेशन हमसे रिलेटेड है दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू एक इनकम है, और जब जैसे हमने कह दिया ना कि रेवेन्यू इनकम है, तो इसमें इनकम की पूरी डेफिनेशन आ गई, मतलब इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट आ गया इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो एनहांस इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट, ये सारी बातें इसमें कवर हो गई जब हमने ये कह दिया कि रेवेन्यू इज एन इनकम। That is the income. Revenue is an income. कहां से आती है? Arising in the ordinary course of an, in the ordinary course of activity लिख लें, या in the course of an entity. ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये सिर्फ लफ्जों की हेर फेर है। मतलब क्या है? जो आपकी गुड्स हैं वो आप सेल करके या जो सर्विसेज हैं वो जो देकर आप पैसा कमाते हो दैट इज रेवेन्यू। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड है या कुछ और चीजें हैं वो आपका इनकम तो होगी, अदर इनकम में जाएगी, रेवेन्यू इनकम में नहीं आएगी। तो रेवेन्यू क्या है? इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए कि रेवेन्यू को डिफाइन करें और नंबर आ जाए इसके चार, तो आपने ये डेफिनेशन भी लिखनी है, फिर नीचे इनकम की डेफिनेशन भी लिखनी है, इनकम को भी डिफाइन करना। बात क्लियर हुई? यानी अगर डेफिनेशन हमारे पास आदिल का मैसेज मिला कि सर तमाम कैश सेल्स रेवेन्यू है, वो नहीं हो भाई, हर तरह की सेल रेवेन्यू है, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, हर तरह की सेल आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब ये है कि आप जो अपनी चीजें कस्टमर को बेचकर बेचते हो वहां से जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। और अगर ये दो नंबर की डेफिनेशन है तो सिर्फ रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखें, अगर चार या चार से ज्यादा नंबर की डेफिनेशन है तो आपने रेवेन्यू की डेफिनेशन भी लिखनी है और फिर उसके अंदर इनकम की भी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं जनाब इनकम के बाद और रेवेन्यू की डेफिनेशन के बाद, क्योंकि टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर आता है। ये आपका लॉ वाला ही कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट्स करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम, ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आदिल कोई सवाल पूछना चाह रहा है? आदिल तू ना अजीब सा सवाल पूछ रहा है, वो जवाब देना आपकी बेइज्जती है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा। डिस्काउंट का था, डिस्काउंट रिसीव्ड और चीज है मेरे भाई, रेवेन्यू और चीज है। मैं कह रहा हूं कि आपका जो कस्टमर के साथ हम चीजें बेच के पैसे आते हैं, जो हम अपनी गुड सेल करते हैं वो हमारा सेल है, हमारा रेवेन्यू है। इसके अलावा जो हमारी अदर इनकम में आ जाता है, जैसे हम कोई कमीशन रिसीव कर लेते हैं, कोई डिस्काउंट रिसीव हो जाता है हमें, गेन और डिस्पोजल होता है, ये तमाम चीजें हमारा मेन का बिजनेस, मेन बिजनेस नहीं है, वो हम अदर इनकम में लिख देते हैं।
इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मेट, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल फिर लेस अदर एक्सपेंस एड अदर इनकम। जो ऊपर सेल है वो हमारा मेन रेवेन्यू है, जो अदर इनकम है वो हमारा मेन रेवेन्यू नहीं होता, लेकिन इनकम की डेफिनेशन में आता है। जी मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए। जी कॉन्ट्रैक्ट की क्या होता है, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर वो थोड़ा सा पिछला भी दिखा दें। ये सिर्फ डेफिनेशन है कि सिर्फ डेफिनेशन है, मैंने इनकम की ये डेफिनेशन लिखवाई है, ये वाली इनकम की डेफिनेशन है कि इनकम क्या की चीज है, ठीक है। और फिर मैंने इनकम की डेफिनेशन के बाद ये रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है। और ये मैं थोड़ी सी डिटेल कल भी आपको लोगों को बता दूंगा। फिर आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, ये आपने सबने लॉ में पढ़ा हुआ है कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। जैसा कि पता नहीं अब अरहम भाई है भी सही या नहीं है, हम किसी और का ही नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, कि आपको किसी दोस्त ने कहा जी आज ना वो आपको पार्टी देगा या आपको बोतल पिलाएगा या कोई भी खाना खिलाएगा, वो नहीं खिलाता, तो आप उसके ऊपर FIR जाकर दर्ज नहीं करवा सकते, क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन हम जब किसी कंपनी के साथ सेल परचेज करते हैं कि अगर चीजें डिफेक्टिव निकल आए या वो हम उनको चीज सेल कर दे वो हमें पैसे ना दे, हम उसके ऊपर केस कर सकते होते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, हम उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। या आप डेफिनेशन कोई अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट जिससे लीगल ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आप लोगों को पता ही है। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन है कि हम कस्टमर किसे कहते हैं। हर बंदा कस्टमर भी नहीं होता। ऐसी पार्टी जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि हम आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसी पार्टी जिसके साथ हम डील कर रहे हैं कि हम आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या वो हमारी गुड्स या सर्विसेज अवेल करता है, उस पार्टी को हम कस्टमर कहते हैं। लेकिन वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। यानी ऐसे हम घर में कोई मेहमान आ जाता है, वो चीज हमारी निकाल के ले जाता है, तो हम उसको कस्टमर तो नहीं कहते, ठीक है। तो कस्टमर क्या होगा? इज अ पार्टी, वो बंदा, वो पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड, यानी जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू ऑब्टेन गुड्स आर सर्विसेज, गुड्स आर सर्विसेज दैट इज एंटिटी ऑर्डिनरी एक्टिविटी। मतलब क्या है इसका? मतलब जो आपकी एक्टिविटी है, अगर उस एक्टिविटी को ऑब्टेन कर ले कोई पार्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, उसको कस्टमर कहा जाता है। ऐसा बंदा जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करें कि वो हमारी गुड्स या सर्विसेज हासिल कर रहा है अंडर कंसीडरेशन, तो हम ऐसी पार्टी को कस्टमर कहते हैं। अब हमने डेफिनेशन टोटल चार पढ़ ली है, बेसिक डेफिनेशन है। इसमें अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो इनकम और रेवेन्यू की है। कॉन्ट्रैक्ट या कस्टमर की डेफिनेशन इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो इनकम क्या होता है कि जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो रहा था एंटिटी का ड्यूरिंग द ईयर, और किस फॉर्म में हो रहा होता है? इनफ्लो की फॉर्म में हो रहा होता है। दूसरा किस फॉर्म में हो रहा है? एनहांसमेंट्स ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, दैट रिजल्ट इंक्रीज इन इक्विटी, जिससे इक्विटी बढ़ जाती है। अदर देन पार्टी इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, इक्विटी पार्टिसिपेंट जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके अलावा जो इक्विटी में इजाफा होता है, दैट इज इनकम।
रेवेन्यू के बारे में क्या था कि रेवेन्यू एक इनकम है जो कि बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से क्रिएट होती है, एक्टिविटी से अराइज होती है, राइट। और फिर कस्टमर क्या है, कस्टमर इज अ पार्टी, कस्टमर वो बंदा है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो हमारी चीजें या हमारी सर्विसेज ऑब्टेन करता है। डन। अब आ जाते हैं हाउ टू रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, हाउ टू रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए IFRS 15 हमें एक कहता है कोर प्रिंसिपल है, और एक है 5 स्टेप मॉडल। अगर मैं आपको इसको सादा अल्फाज में बताऊं कि सेल्स आपने कब रिकॉर्ड करनी है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। आप पढ़ते हो ना कि एसेट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, याद आया किसी को? एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी में फ्लो करे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि उसकी कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल हो, लेकिन रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमें IFRS 15 समझाता है। दो प्रिंसिपल हैं, कहता है कि पहले हम कोर प्रिंसिपल को देखते हैं फिर हम 5 स्टेप मॉडल को देखते हैं। जी पहले कोर प्रिंसिपल पर आ जाए, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कोर प्रिंसिपल एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए नंबर वन इन अ मैनर, उस तरीके से दैट डिपिक्ट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। ये बात तो बड़ी आसान सी लिखी हुई है लेकिन अंग्रेजी कुछ अजीब सी लगेगी आपको। कहते हैं कि रेवेन्यू कंपनी को या एंटिटी को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए जैसे ही वो गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करे। आपको याद होगा अगर हम अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर नहीं करते, पैसे ले लेते हैं, तो हम उसको लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, कैश टू एडवांस लाइबिलिटी। लेकिन वो कहता है कि आपने इस तरीके से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है कि जैसे ही आप अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। ये हमें पहले भी पता है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर दो कोर प्रिंसिपल बता। दूसरे नंबर वो कहता है एट एन अमाउंट, किस अमाउंट पर एट एन, ये पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन या 3 नंबर की डेफिनेशन लिखनी आ सकती है। एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन, दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल, एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल इन एक्सचेंज फॉर, किसके बदले, गुड्स और सर्विसेज। ये बात सिर्फ अंग्रेजी इतनी बड़ी लिखी है, बात इसके बदले कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ आप एक दफा लिखें तो मैं
इसकी चीजें आपको हाईलाइट करवाता हूं कि इसमें बात लिखी क्या होगी एक्चुअल में। जी, कोर प्रिंसिपल में दो बातें लिख लिया है तो बताऊं इसको थोड़ा सा। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा ऐसे आपको फील होगा बोरिंग बोरिंग सा, थोड़ा सा हल्का सा। वजह क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी लिखना हमें थोड़े सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको अकाउंटिंग के साथ यानी न्यूमेरिकली अटैचमेंट या उसके साथ लिंक बनाता रहूं ताकि चीजें कुछ बेहतर समझ लगे। जी, कहता है आईएफएस 15 का जो कोर प्रिंसिपल है उसमें वो कहता है कि आपने कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। कहता है जैसे ही आपकी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर गुड्स या सर्विसेज, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो और किस अमाउंट पे करो, एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट द कंसिडरेशन, जो के पैसे आपको मिलने की उम्मीद है या मिल गए हैं, मतलब आपने उधार पे दिया है या आपको पैसे मिल गए हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले कंसिडरेशन, ये बात है। कहता है उस अमाउंट पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो जो गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में आपकी कंसिडरेशन आपको एक्सपेक्टेड है, और करनी कब है रेवेन्यू, जब आप गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे, ये बात लिखी हुई है। कहता है ये है मेन प्रिंसिपल। ठीक है, दो बातें आपने क्या रखनी है, अमाउंट कौन सी होनी चाहिए दैट इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, और करना कब है रेवेन्यू रिकॉर्ड, जब आपकी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होंगी। राइट, अब आ जाओ फाइव स्टेप मॉडल में। आपने कोर प्रिंसिपल के बाद आपने ये चीज देखनी है कि आपने ये चीजें क्या पूरी हो रही हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो कोर प्रिंसिपल है। वो दो बातें तो होती ही हैं हर चीज के अंदर, उसके अलावा आपने पांच स्टेप परफॉर्म करने हैं और ये पेपर में आ चुका है, ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि जनाब पांच जो मॉडल हैं, फाइव स्टेप मॉडल हैं, वो आप बताएं कौन कौन से। वो कहता है पहली चीज देखनी है आपने, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, द कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है विद द कस्टमर। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये कल सुनी जाएंगी आप लोगों से, इसलिए हर बात को आपने बहुत प्यार और ध्यान से याद रखना है। आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर कि आपका कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एग्जाम्पल देने लगा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लो वरना रहने दो। आपने एक बंदे से कहा कि जनाब सेल फोन आप एक बंदे से लेते हो, उससे आपने सेल फोन लिया और उसको आपने कहा जी ये 40,000 का है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने उसको 40,000 देना है, उसने आपको मोबाइल देना है। राइट, अब अगर आपने 40,000 दे दिया और वो मोबाइल नहीं देगा, हम उसके खिलाफ केस कर देंगे, या अगर वो मोबाइल दे देगा हम 40,000 नहीं देंगे, वो हमारे खिलाफ केस कर देगा, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो गई। दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसके अंदर कोई एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक बंदे ने परफॉर्म करना हो, यानी समथिंग गिव एंड समथिंग टेक, कुछ लेना देना हो, कोई ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, पहला काम क्या करना है कि आपने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या है, पहला काम हमारा ये, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखना होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसका क्या मतलब, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि हमने जो पैसे लेने हैं किसी से उसके बदले काम क्या करना है, दैट इज परफॉर्म ऑब्लिगेशन।
हमने कौन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है? ओके होगी बात। सपोज दैट हमारी कंपनी है, यानी कोई चीज बनाते हैं हम, सपोज दैट गाड़ियां का काम कर लेते हैं, हम गाड़ियां बनाते हैं और हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि जो जनाब हमसे गाड़ी खरीदेगा हम उनको 2 महीने की रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस फ्री देंगे, या हम उस गाड़ी की 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसीज के पैसे हम दे देंगे। अब एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमें 20 लाख रुपया दे देता है। अब हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? एक, उसको गाड़ी देना, दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उनकी इंश्योरेंस करवाना, या अगर मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है तो 2 साल के लिए मेंटेनेंस सर्विस देना। हमारी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। क्या लिखा हुआ है? आपने आइडेंटिफाई करना है सारी अलग अलग अपनी ऑब्लिगेशंस को। आपने ये देखना है कि जो रेवेन्यू आप कमा रहे हो उसके बदले आपने कौन कौन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, वो आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। जैसे मैंने अभी मोबाइल का जिक्र किया, हमसे कोई मोबाइल लेने आया, उसने पैसे दिए, हमने मोबाइल दे दिया, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल ही थी, राइट? तो 2 काम है, पहले करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, फिर तमाम अपनी ऑब्लिगेशन को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है। तीसरे नंबर पे डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमाइन, और पेपर में ये 5 स्टेप लिखने पेपर में आ चुके हैं, फिर हर स्टेप अलग अलग से भी पेपर में आ चुका है, हर स्टेप ऑलमोस्ट पेपर में आ चुका है। जी जनाब, ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? अब जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की कि हमने अपने कस्टमर को कहा कि हम 20 लाख में गाड़ी भी देंगे और गाड़ी के साथ 2 सालों की सर्विसेज भी देंगे, फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज, राइट? तो हमारा जो ये 20 लाख का जिक्र किया है, जो उस ट्रांजैक्शन के बदले हमें टोटल प्राइस मिलनी होती है ना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है ना, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अरी हसन का मैसेज मिला है कि सर ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और जो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर है, क्या ये सेपरेट है? नहीं, ये एक ही बात है, एक ही चीज में हमने चीजें ढूंढनी। जैसे हमने पहले क्या देखना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है क्या, हमने चीजें देनी है उसने हमारे, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। पहले देखना है कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हमने उसमें देखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या क्या ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस के बदले हमें पैसे कितने मिलने हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। चौथे नंबर पे एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। लो जनाब, अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो जो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब यह है कि हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, उसने एक अमाउंट है उसको हमने एलोकेट करना है डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक हो, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक हो तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है उसको एलोकेट करने की। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने एक कस्टमर को कहा कि जनाब हम जो वॉशिंग मशीन सेल करते हैं, हम वॉशिंग मशीन ओवरऑल देते हैं कि जनाब 40,000 की। अगर जो हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेगा, हम उसको वॉशिंग मशीन के साथ साथ, वॉशिंग मशीन के साथ साथ हम उसको वॉशिंग पाउडर भी देंगे,
हम उसको वॉशिंग मशीन के साथ साथ कोई और ऑफर भी करवा देते हैं। क्या होती है कपड़ों से रिलेटेड चीजें? कह दो कि हम फ्री डिलीवरी देंगे घर तक किराए की, राइट। और ये खवतीन ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि अगर वॉशिंग मशीन लो तो वो जो टब होता है ना कपड़ों के लिए, या वो जो कैरी करने के लिए कपड़ों के लिए, वो एक बास्केट टाइप भी दे देते हैं। हम बास्केट भी लेते हैं। कहता है कि अगर आप लोग हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे 40,000 रुपए में, तो हम आपकी ये चीजें देंगे, राइट। अब अगर वॉशिंग मशीन अकेला किसी और से चीजें खरीदी जाए, तो मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज वहां से मिलती है 39,500 की, वो लेकिन वो सिर्फ वॉशिंग मशीन देते हैं, सिंगल वॉशिंग मशीन देते हैं, लेकिन हम 40,000 तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें वॉशिंग पाउडर भी दे रहे हैं, फ्री डिलीवरी भी घर पहुंचाने तक दे रहे हैं, एक बास्केट भी दे रहे हैं, ये टब जो होगा वो भी दे रहे हैं। अब एक कस्टमर हमसे 40,000 में मशीन लेने आ गया, उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है जनाब, हमें मशीन दे दो, हम आपको 40,000 देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, पहला काम पूरा। फिर अगला काम क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना। हम देखेंगे कि अब हमने कौन कौन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। एक उसको वॉशिंग मशीन देना, वॉशिंग पाउडर देना, फ्री डिलीवरी और बास्केट, ये चार हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। दैट इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ट्रांजेक्शन प्राइस, दैट इज 40,000। अब जरा गौर फरमाना यहां कि हम 40,000, 39,500 वाली चीज 40,000 में देकर कुछ और ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाकी चीजों का भी थोड़ा बहुत पैसा जरूर ले रहे हैं, जो हम 500 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ वॉशिंग मशीन का डिस्काउंट होगा और कुछ और भी चीजें हैं जिनका थोड़ा बहुत पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, उससे भी कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। तो हमने एलोकेशन करनी है चौथे स्टेप में, कि हमने अपना 40,000 इन चार ऑब्लिगेशन पे एलोकेट कर देना है। दैट इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। हाउ टू एलोकेट, ये हमने आगे फर्दर सवाल में पढ़ना है, राइट। लो जनाब, चार स्टेप हमारे हो गए, पांचवा स्टेप एंड लास्ट स्टेप। कहते हैं पहले आप कॉन्ट्रैक्ट देख लो, फिर आप ऑब्लिगेशन देख लो, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस देख लो, फिर उसको अलग अलग भी कर दो, और उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। तो लास्ट स्टेप इज रेकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, या रेवेन्यू रेकग्निशन, रेकग्नाइज रेवेन्यू। इसमें फिर पहली बात वो रिपीट करेगा, रेकग्नाइज रेवेन्यू कब, व्हेन या एज, व्हेन या एज एन एंटिटी, मतलब कि हम, एंटिटी का मतलब क्या है, हम एन एंटिटी सेटिस्फाइज या फुलफिल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड, पहले चार चीजें आइडेंटिफाई कर लो, कॉन्ट्रैक्ट देखो है या नहीं, फिर ऑब्लिगेशन को अलग अलग कर लो, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस भी देखो, फिर उसको एलोकेट भी कर लो, फिर उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। वो भी कब, जैसे जब या जैसे, जब या जैसे ही एंटिटी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ले, मतलब चीजें भेज दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। जैसे ही चीजें भेजी वैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने एलोकेट कर लिया, हमने वॉशिंग मशीन भी अभी दे दी, वॉशिंग पाउडर भी अभी दे दिया, डिलीवरी भी दे दी, लेकिन बास्केट कहा है कि आफ्टर 1 मंथ ले जाना। तो आपने तीन ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली, एक ऑब्लिगेशन 2 महीने बाद, तो आपने तीन ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, और एक ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है जब ऑब्लिगेशन परफॉर्म करोगे,
वो जैसे काम होगा वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, बस बात सिंपल सी है। कोर प्रिंसिपल में भी यही था कि जैसे गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करोगे उस अमाउंट से आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। उस कोर प्रिंसिपल की फर्दर आगे एडिशन में क्या है कि आपने पांच चीजें देखनी है, पांच स्टेप के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। पहला स्टेप रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, दूसरा स्टेप सॉरी पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आइडेंटिफाई करनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा ट्रांजेक्शन प्राइस, चौथा उसकी एलोकेशन, पांचवा रिकग्निशन द रेवेन्यू। डन होगी बात। अभी मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करवाने लगा हूं ताकि हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन से हट जाए, लेकिन ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है। कल हमने इन पांच स्टेप को पहले मैं सुनूंगा और उसके बाद हर स्टेप की अपनी अपनी वैल्यू है। आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट विद कस्टमर कब होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेपरेट होती है, कैसे होती है, ट्रांजेक्शन प्राइस कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, एलोकेट कैसे कर सकते हैं और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इन सब के बारे में अलग अलग डिटेल में हमारे स्टैंडर्ड में बताया हुआ। फिलहाल एक सवाल लिखो, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद नई बातें करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल लिखो, एबीसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर के 60,000 with free power bank and Bluetooth device जी। एबीसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कस्टमर के साथ, के साथ, कि जनाब वो उसको 60,000 रुपए में सेल फोन देगा और उसको वो पावर बैंक भी फ्री देगा और साथ ब्लूटूथ की डिवाइस भी फ्री देगा। ब्लू डिवाइस नहीं, ब्लूटूथ डिवाइस, ओके होगी बात। अब कहता है नॉर्मली एबीसी कंपनी सोल्ड दीज आइटम्स सेपरेटली सेल फोन वो बेचता है, अगर सेपरेट सेपरेट बेचेगा ₹58,000 का, पावर बैंक वो नॉर्मली बेचता है ₹5,000 का और ब्लूटूथ की जो डिवाइस है वो अच्छी वाली है, ब्रांडेड है, वो बेचता है 2,000 का, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं बताता जाऊंगा। एक टर्म हमें मिलेगी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की, वो लिख लो साइड पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये आपको पता भी चल चुका होगा कि हम ओवरऑल जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है हम 60,000 में तीन चीजें बेच रहे हैं, लेकिन अगर उसको सेपरेट सेपरेट सेल किया जाए वो अमाउंट जो सेपरेट सेपरेट है हर किसी की, दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, यानी वो सेलिंग प्राइस जो एक किसी भी चीज को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करे या सेपरेटली आइडेंटिफाई हो कि इसकी ये अमाउंट है, दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कि अगर वो अलग बेचे तो कितने के बिकेंगे, यानी हर चीज अलग अलग बेचेंगे तो कितने में सेल होगा।
तो दोबारा सुने कि एबीसी कंपनी ने मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 60,000 में सेल हो जाएगा फोन, बल्कि हो गया समझो, ठीक है, हमने इसका रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू। सबसे पहला काम इसका सोल्यूशन, वैसे तो अब ये सारा लिखना बहुत काम आता है, अपने सबने सवाल लिख लिया या किसी का सवाल रहता है, सबने क्वेश्चन नोट फरमा लिया है, या जो जिसने नहीं किया वो बता दे, जिसने नहीं किया अगर सबने कर लिया तो फिर हम सवाल का सलूशन स्टार्ट करते हैं। जी मेरे भाई, इसके सलूशन पे आ गए। स्टेप नंबर वन, ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आए या वो खुद क्वेश्चन के अंदर कहे कि सारे स्टेप परफॉर्म करके दिखाओ, तो फिर ऐसे सलूशन देना है, और अदरवाइज इन पांचों में से कोई एक स्टेप हमें परफॉर्म करना होता है, सिर्फ एक स्टेप जो वो कहता है। पहला स्टेप है जनाब, पहले नाम लिख लेते हैं, बल्कि नाम तो आपको याद है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो हम लिखेंगे क्या? एबीसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर के। सिर्फ इतना भी काफी है कि आइडेंटिफाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। अगर थोड़ा मजीद बेहतर लिखना है टू प्रोवाइड सेलफोन, बस बेहतर तो ये है कि एबीसी का कंपनी का मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म, इतना ही काफी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दूसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हम यहां पर लिखेंगे देयर आर थ्री परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देयर आर थ्री परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। जितनी ऑब्लिगेशंस आपने परफॉर्म करनी है वो आपने लिख देनी है। हाँ, अगर आपको पता चल जाए ना इतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो फिर नंबर लिखा करो, वरना ऐसे ही लिख दिया करो जो आपके सामने नजर आ रही है। जैसा कि नंबर वन सेलफोन एक ऑब्लिगेशन है, नंबर टू पावर बैंक एक और ऑब्लिगेशन, सेपरेट है ना ये सब कुछ, और नंबर थ्री ब्लूटूथ। हर उस चीज को हम सेपरेट कहते होते हैं जो कि सेपरेट सेल भी हो सके। ऐसी चीज जो सेपरेट सेल नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा भी नहीं जाता। यानी वो चीज जो सेल हम इकट्ठी कर रहे हूं लेकिन उसको अलग भी सेल किया जा सके, दैट इज सेपरेट। डन, दूसरा स्टेप हो गया हमारा। तीसरा स्टेप, ट्रांजैक्शन प्राइस। कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस है? कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस है? ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी, या ट्रांजैक्शन प्राइस इज ₹60,000। हम जितने में अपना वो सब कुछ बेच रहे हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस ओवरऑल। स्टेप नंबर फोर, एलोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मेन स्टेप ये। इसका मैं आपको वैसे तरीकाकार बताता हूं लेकिन ये कभी भी 100% फॉलो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फॉलो किया जा सकता है। आपने एक फॉर्मेट में आपको देता हूं एलोकेशन का, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का। सबसे पहले आपने लिखना है यहां पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन कौन सी है, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कौन कौन सी है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। डन, उसकी एलोकेशन फिर कर दें। डन,
तरीकाकार होगा, ये कॉलम एक प्लस माइनस हो सकते हैं, आगे पीछे कॉलम्स हो सकते हैं। मेकर ये है कि आपने जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनको लिख लें, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस लिख दें और एंड पे उनको एलोकेट कर दें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे पास कितनी है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक सेलफोन, एक पावर बैंक और एक ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस सबकी स्टैंड अलाउन सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलफोन की 58,000 है, पावर बैंक की 5,000 है और ब्लूटूथ डिवाइस की कितनी है? 2,000। टोटल 65। हमने एलोकेट किसको करना है, 65,000 को या 60,000 को? हमारा रेवेन्यू कितना है? हमारा रेवेन्यू कितना है, 60,000 है या 65,000 है? हमारा रेवेन्यू, जो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो आपने करना क्या है, वही गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। टोटल 60,000 रेवेन्यू है 65,000 के बदले, टोटल 60,000 रेवेन्यू है, यानी आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन प्राइस को सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे डिवाइड कर देना, या रेवेन्यू को जितना रेवेन्यू हमें मिलना है या जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है या जिसको एलोकेट करना है उसको डिवाइड किस पे कर देना है, सम ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल फोन का रेवेन्यू आ जाएगा। अगर इसी फैक्टर को 60,000 डिवाइडेड बाय 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 से करेंगे तो किसका रेवेन्यू अलग हो जाएगा? पावर बैंक का। फिर इसी फैक्टर को 60,000 डिवाइडेड बाय, ये एक फंडामेंटल बन गया और जिस जिस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे उसका अपना रेवेन्यू आता जाएगा, उसका अपना रेवेन्यू आ जाएगा। अब पहले आपके पास टोटल 60,000 था, नहीं पता था किसका कितना रेवेन्यू है, लेकिन अब हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का आपने रेवेन्यू अलग अलग कर दिया। जी मेरे भाई पहले बताएं सेल फोन का रेवेन्यू कितना आ रहा है? 60 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 58,000, 53538 53538। फिर बताएं जनाब पावर बैंक का कितना रेवेन्यू आ रहा है? 4615 एंड लास्ट वन इज ब्लूटूथ डिवाइस का कितना आ गया? 161846 1847 कर ले, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये पूरा 60,000 रेवेन्यू भी तो होना चाहिए ना एलोकेट होने के बाद। तो जितना कोई पॉइंट की वजह से अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो किसी एक वैल्यू को, कि अगर हम 6 लिखते हैं तो हमारा 1 रुपया कम बनता है, तो इसलिए हमने 1 रुपया बढ़ा दिया। दैट इज एलोकेशन। हर किसी का अब रेवेन्यू अलग हो गया। अब जरा गौर से सुने, जब सेलफोन देंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 53538, जब पावर बैंक देंगे 4615 और जब ब्लूटूथ डिवाइस देंगे 1847। एक ही टाइम दोगे तो सबको अलग अलग करके तीनों का रेवेन्यू एक ही टाइम पर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर एक आज दिया है, कुछ परफॉर्मेंस बाद में करनी है, तो जो दिया उसको आज कर दो, जो नहीं दिया उसको बाद में, ठीक है? तो लास्ट स्टेप पे आ जाए, ये स्टेप था हमारा चौथा और मुझे उम्मीद है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इस क्वेश्चन में, और मुझे उम्मीद इस बात की है कि आपको ये बात समझ लग गई होगी, और अगर ना नहीं भी बात की समझ लगती तो परेशानी से ज्यादा डिस्कशन पे ध्यान दिया करो। आप डिस्कस करोगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। लास्ट स्टेप इज रेवेन्यू रिकग्निशन।
रेवेन्यू रेकग्नाइज कैसे करते हैं, अंग्रेजी पढ़ के सुनाए, व्हेन और एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड या सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जैसे आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करोगे वैसे अपना रेवेन्यू रेकग्नाइज कर दोगे। तो हम लिखेंगे क्या, रेवेन्यू विल बी रेकग्नाइज, ये लिखने का तरीका है, रेवेन्यू विल बी रेकग्नाइज रिलेटेड टू सेल फोन रुपीज 53538, उसके बाद पावर बैंक रुपीज 4615 एंड ब्लूटूथ डिवाइस रुपीज 1847। एज दीज आइटम्स आर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर, वो कहते हैं जैसे ही ये चीजें अपने कस्टमर्स को ट्रांसफर करो, मिस्टर के को ट्रांसफर करो, पैसे मिले हैं या नहीं मिले उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, जैसे ये चीजें ट्रांसफर करोगे वो कहता है अब आप इसकी सेल रिकॉर्ड कर लो। बात वही है कि जैसे गुड्स डिस्पैच करेंगे सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन एक आगे कई चीजें आएंगी जिसको हमने मॉनिटर करना है, देखना है, तो उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है जनाब, तो आज का लेक्चर हम यहां पर ही तमाम करने लगे हैं। उसके अंदर आपने कल जो मैंने आपसे सुनना है, और पॉसिबल है मैं फिजिकली आपसे चीजें ये सुनूं, एक इनकम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, रेवेन्यू की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर आपको कोर प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको फाइव स्टेप मॉडल आने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत स्लो स्लो करके चलाऊंगा आपको, ताकि ये टॉपिक आपका साथ ही तैयार हो जाए, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक भी बंदा कोई बहाना बनाए कि जनाब इस वजह से आप लेक्चर पढ़ नहीं सके। जब भी क्लास में आना है, फिजिकल क्लास में, आपका ये टॉपिक जितना पढ़ा है आज का लेक्चर तैयार होना चाहिए। ठीक है जनाब, ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।